सत श्री अकाल, मैं जसविंदर पाल चनीशान पंजाबी तुहाडा स्वागत है। तो आप गल करते हैं पंजाब सरकार दे उस दावे की, भ्रिष्टाचार मुक्त पंजाब। परंतु पंजाब विच इह जा नहीं चल रहा, जमीनी हकीकत कुछ होर है। तुसी आप ही देख लो किवें चल रहा गोरखधंधा सुल्तानपुर विच, कपूरथला दे सुल्तानपुर विच, जिथे अष्टाम 100 रुपए का 160 रुपए बेचा जा रहा, वो भी जबरदस्ती। जे कोई डिमांड भी करता तो उसनू फटकार का सामना करना पैंदा है। चैनल शान पंजाबी अते ने अपना फर्ज समझते हुए एक खुलासा किया है। तुसी देख लो किवें यह सब कुछ हो रहा अपने अखी चैनल शान पंजाबी दे कैमरे दे राहीं। ते जिस दिन जिन्होंने पोल खोलन विच सहायता की वो साबका सरपंच चरणजीत सिंह चन्नी ने, ते आप ही देख लो की कहंदे ने चरणजीत सिंह। देखो जी, कल असी सुल्तानपुर लोधी तहसील दे विच आए कि तहसील दे विच की एक साल हो गया भगवंत मान सरकार नूं कि करप्शन घटी जां अस्टाम पेपरलैस किया उहदा कोई फर्क, क्योंकि बदलाव दे आधार ते सरकार आई सी। जदों असी ग्राउंड जदों तो अकालिया तो दुखी सी, लोग कांग्रेस तो दुखी सी, उहदे आधार ते आम आदमी पार्टी की सरकार आई। सरकार वालों वड्डे वड्डे दावे किए जा रहे हैं। कल असी खुद ग्राउंड जीरो के उत्ते स्टिंग किया, जिस दे विच 100 रुपए के असी 2 अस्टाम लए 50,000 रुपए के, और 160 रुपए की साड़ी डिमांड की गई। 160 दे विचों 150 रुपया जिहड़ा असी दिता, वो ऑन रिकॉर्ड वीडियो साड़े कोल आ स्टाम फरोश वालों, जिहड़ा ये पैसे 50% 150 गुणा, मतलब 100 रुपए की चीज़ 150 गुणा जिहड़ा वध लिया जाता वा। और निधड़क हो के शरेआम वीडियो दे विच कह रहा सीगा कि असी 150 रुपया लैना तुहाडे कोलों, और 160 रुपये जिहड़े आ असी ले दे, 10 रुपये जिहड़े आ उह लैस कीते। और ये जिहड़ा शरेआम चल रहा, और अफसरां दे जिहड़ा ध्यान दे विच ने, डीसी साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, मुख्यमंत्री पंजाब, माल विभाग मंत्री साहब, इन्हां नूं मैं अपील करना चाहुंदा ते ग्राउंड जीरो दे जिहड़े गरीब लोग वा, जन्म तो लैके मौत तक जिहड़ा वो एफीडेविट की जरूरत पैंदी, स्कूल दे विच दाखल करवाउणा होए बच्चा एफीडेविट की जरूरत पैंदी हरेक काम लई जिहड़ा। और बजट पेश किया गया सीगा कि पेपरलैस स्टाम्प एक राहत मिलेगी, पर 60 रुपये वध 100 रुपये दे मगर किड्डा वड्डा, जेकर इस तहसील सुल्तानपुर लोधी एक छोटी जी है, जेकर इत्थे 10 लाख दे स्टाम्प विकदे ने चाहे साल च चाहे महीने दे विच, और किन्ना 1 लाख दे 10 लाख दे मगर किन्ने गुणा वह पैसे कमाते हैं, और किन्नी लुट खसुट गरीबां दी हो रही नहीं। इस ते जरूर नत पाउणी चाहीदी है तहसीलदार साहब और SDM साहब और DC साहब और पंजाब दी जिहड़ी सरकार वा, और जिहड़े आगू वा इत्थों दे MLA साहब हो गए आ, हलका इंचार्ज हो गए, इन्हां नूं अपील करदे कि इक वारी खिच के रखो। जेकर भगवंत मान ने यह चीज़ कही आ तां आपां ग्राउंड जीरो ते रिजल्ट दे के दिखाईए, क्योंकि रिजल्ट हजे भी जीरो आ रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਸਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਟਾਮ ਮੈਂ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਆ ਵਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਫਰੋਸ ਆ, ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਲਟ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।